हेलो एंड वेलकम टू द आरसीबी पॉडकास्ट पावर्ड बाय कोटक महिंद्रा बैंक। और सुनो, हम लोग गए किधर? हम लोग गए कोई फंक्शन में जा रहे थे, वो करोला में एसी भी नहीं है। सोचो, एसी भी नहीं थी भाई। मैं बोला पूरे गर्मी में पूरा जाके आईने उतार गया पब्लिक वहां से चिरा चिरा। जब हम क्या कर, आईना भी नहीं चला सकते, गर्मी इतनी हो रही है। ये है मेरा ड्राइवर्स लाइसेंस, माय मेट्रो कार्ड, और ये है मेरा पैन कार्ड। हाय एंड वेलकम टू द आरसीबी पॉडकास्ट। माय नेम इज दानिश एंड विथ मी टुडे इज मोहम्मद सिराज। सिराज, इस शो का जो थीम है वो है हाउ डिड द आईपीएल चेंज योर लाइफ। तो मैं आपसे यही सवाल पहले पूछूंगा, हाउ हैज़ द आईपीएल चेंज्ड योर लाइफ? पहले तो मैं नेट बॉलर था आरसीबी का, बिकॉज जब हैदराबाद में टीम आई थी तब मैं नेट बॉलर था। तो मैं जब नेट बॉलिंग कर रहा था तो आई फील लाइक मैं कब आऊँगा यहाँ पर, बट जो इन्वायरमेंट था जब प्रैक्टिस करते हो, जो चल रहा था, लाइक मैं सोच रहा था कि कब मैं यहाँ पर आऊँगा प्रैक्टिस करते हो। बस यही सोच रहा था कि कभी ना कभी आएगा वो टाइम। देन आफ्टर दिस आरसीबी, जब बस प्रैक्टिस करके होटल जा रही थी तब मैं गाड़ी पे शोर मचा लेते हाय 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 दैट लाइक दैट। 2017 में जब आरसीबी और सनराइज़र ने बेट लगाए थे मेरे ऊपर, तो जब सनराइज़र के जब गया था मैं, तो 6 मैच के बाद मुझे चांस मिला था सनराइज़र के। तब मैं हैदराबाद में था मैच, तो मैं घर चले गया था क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं खेल रहा हूँ नहीं खेल रहा हूँ। तो मैं घर चले गया था, तो उतने में टॉम मोडी का मैसेज आया था, वेयर आर यू मेट? बोला आई एम इन होम, कम यू आर प्लेइंग टुडे। इट्स शॉक, मतलब फर्स्ट टाइम, मतलब इतना क्रॉड के टाइम पे कभी खेला नहीं। तो जब मुझे बोला कि तू खेल रहा है, बोले तो मैं मतलब इतना एक्साइटेड कि फिर जब मैं ग्राउंड पे उतरा इतने ऑडियंस के सामने, आई नेवर प्ले लाइक दैट। तो मेरे इतने प्रेशर से लेग हैवी हो चुके हैं क्योंकि मैं भाग ही नहीं पा रहा था, उतना हैवी हो चुके हैं मेरे पर। तो फिर उसके बाद जैसा फर्स्ट ओवर डाला, विल बी रिलैक्स, और स्टार्टिंग में 3 बॉल में 3 बाउंड्री, तो मैं बोला ये तो गया मेरा। फिर उसके बाद जब 4th बॉल विकेट मिली तो पूरा प्रेशर रिलैक्स हुआ। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर आरसीबी के साथ आया, तो वो साल बहुत ही अच्छा किया आरसीबी के साथ। फिर उसके 2019 में इतना परफॉर्मेंस ख़राब हुआ आरसीबी में, तो लाइक मैं सोचा ये मेरा लास्ट है। फिर उसके मैं तो फिर अपने आप को बैक किया कि अभी तेरा एज यंग है, अभी तो बहुत कुछ कर सकता है, अभी कुछ नहीं हुआ तेरा। तो अपने आप को मैं बैक करता रहा वो टाइम पे। तो फिर आरसीबी मैनेजमेंट ने मुझे भी बहुत ही बैक किया वो टाइम पे, क्योंकि इतना ख़राब परफॉर्मेंस के बाद कोई भी फ्रेंचाइजी ऐसा नहीं करता कि रिलीज़ कर देंगे, तो वही सोचता है कि अरे दूसरे प्लेयर को लेंगे। बट आरसीबी फ्रेंचाइज ने मुझ पे भरोसा, ट्रस्ट किया। फिर 2020 में इधर जो केकेआर के अगेंस्ट मैच था, इज टोटली लाइफ चेंज फॉर मी। एंड वहाँ से सीधा इंडिया। ब्यूटीफुल। ओके, क्रिकेट की सबसे अर्ली मेमोरी क्या है? जब आप छोटे थे एंड क्रिकेट खेलते थे, कोई मेमोरीज है? मैं जब स्कूल लाइफ में था तब हम लोग के टूर्नामेंट होते 15 अगस्त से पहले, तो हम लोग का एक शॉर्ट ग्राउंड में मैचेस होते थे स्कूल में। तो वहाँ पर मेरे भाई 2 साल, मतलब जब मैं 7th में था, भाई 9th में थे, तो रेड ब्लू एक ऐसा ग्रुप रहता है। तो मैं जब भैया की टीम में मुझे सेलेक्ट किए भैया ने, तो वो साल हम लोग फाइनल जीते थे, तो तब मुझे ओपनर खिलाते थे। एज ए बैट्समैन खेलता था मैं, बॉलिंग तो डालता ही नहीं था, तो एज ए बैट्समैन खेलता था। तो वो टाइम पे मुझे मतलब मैन ऑफ द सीरीज़ मिला था स्कूल लाइफ में, तो वो एक मेमोरी है। फिर उसके बाद जैसा 10th हुआ उसके बाद बॉलर ही बन गया मैं। बट कब लगा कि खेलूँगा तो सिर्फ क्रिकेट ही ज़िंदगी के लिए? मैं ऐसा नहीं सोचा कि मैं इंडिया खेलूँगा या कुछ अच्छा बड़ा प्रोफेशनल क्रिकेट, बस मैं इंजॉयमेंट करता था। मतलब टेनिस बॉल भी खेलता था, मतलब वहाँ पर भी इंजॉयमेंट इतना करता था, मतलब चप्पल पे बॉलिंग डालना था,
तो जूते तो वो तब थे नहीं, तो चप्पल पे बॉलिंग डालते थे, इधर कूद जाना उधर कूद जाना। घर में भी बोलते थे कि बेटा पढ़ ले, क्योंकि बड़ा भाई इंजीनियर है। तो फिर बाद में ये नहीं बोलना कि सो बड़े बेटे के लिए कि मेरे लिए कुछ नहीं करे आपने। तो मैं बोलता था माँ ऐसा कुछ नहीं है, टेंशन मत, तो एक दिन आएगा वो टाइम। बट मैं कभी नहीं सोचा कि इंडिया के लिए खेलूँगा मैं, या IPL में खेलूँगा या प्रोफेशनल क्रिकेट खेलूँगा, क्योंकि उतना हमारे पास पैसा नहीं था। कि लोग बोलते थे कि अगर प्रोफेशनल खेलना है तो पैसा रहना चाहिए, बैकअप रहना चाहिए, बहुत ही वो था, स्ट्रगल टाइम था वो टाइम पे। तो मैं भी फिर उसके बाद एक टाइम आया था कि मैं क्रिकेट मतलब पढ़ाई भी छोड़ दिया था, फिर क्रिकेट भी छोड़ दूंगा बोल के सोच लिया था, फिर जॉब पे भी जाने लगा था मैं इसके बाद। फिर एक दो महीने किया, मुझे जॉब समझ नहीं आई, फिर क्रिकेट स्टार्ट कर दिया। फिर जाके बोला मतलब जो मैं टूर्नामेंट खेलने जाता था डिस्ट्रिक्ट में, तो वो पैसे मिलते थे, तो मैं थोड़े घर में देता था, थोड़े मैं रख लेता था। जब रणजी ट्रॉफी की प्रैक्टिस होती थी, तो जब मेरे पास प्लैटिना थी तो उसको ढकल के स्टार्ट करना पड़ता था। जब हमारा घर था वहाँ पर डॉन था, तो वहाँ से चले तो स्टार्ट हो जाती थी। तो फिर जब प्रैक्टिस होती थी तो पूरे कार में आते थे हमारे हैदराबाद, तो मैं रुक जाता था क्योंकि मुझे ढकल के स्टार्ट करना था, मतलब एकदम लाइक वो लगता था मतलब। फिर उसके बाद पूरे गए बाद में मैं ढकल के स्टार्ट करके फिर मैं हल्लू निकलता था। मम्मी और पापा उनका क्या था, उनको लगता था आप एक दिन इंडिया के लिए खेलेंगे? नहीं, पापा को लगता था बट मम्मा को नहीं। बात हुई है घर पे, मतलब यही मत, एक दिन बोलता था कि घर में रखने पैसे जगह नहीं रहेंगी, मगर मम्मा को बोलता था मैं ए रहने तेरे बात है, चल चल जा काम कर ले, ऐसा बोलते थे वो। बोला ठीक है मम्मी आएगा एक दिन, बस ऐसा बोल के निकल जाता था मैं। मगर पापा मुझे बहुत बैक किया, बहुत भी बहुत मारने से बचाते थे मेरे को। रात में लेट आता था तो दोस्तों के साथ कहीं बाहर खेलने चल जाता तो अलग से पैसे रख के चले जाना मेरे को, मतलब बहुत वो करते थे डैड। सिराज, ये हैदराबाद के ग्राउंड में जो आप खेलते थे, ग्राउंड का नाम क्या था, एरिया क्या था, कितने लोग आते थे खेलने के लिए? ये फसलान सर ईदगाह ग्राउंड है, मतलब यहाँ पर तो बहुत ही सारे लोग आते थे, बहुत ही मतलब ऐसा पूरा भरे हुआ रहता था ग्राउंड की, मतलब वहाँ पर 15 से 20 पीचा लगते थे मतलब वो ग्राउंड पे, तो पूरे एक साथ खेलते थे। तो वहाँ पर मैं वहाँ से स्टार्ट किया क्रिकेट, और अभी जब भी मैं या कोसा भी टूर ख़त्म होता तो नेक्स्ट डे या उसी दिन ही मैं वहाँ पर जाके खेलता हूँ अभी भी, क्योंकि मुझे वहाँ पर गए तो एक सुकून महसूस होता है, मतलब लाइक पूरों के साथ रह के अच्छा लगता है। तो मैं वहाँ पर मतलब लोग बोलते हैं कि अरे अपनी यहाँ पर नहीं आएगा, ये बड़ा प्लेयर बन गया यहाँ पर, बट मैं ऐसा नहीं सोचता कि मैं कभी भी मेरा टूर ख़त्म हो दो मैं फर्स्ट वहाँ पर ही जाऊँगा। आपने अपने आप को क्रिकेट खुद सिखाया, खेलते खेलते आप सीख गए, ये बताना, क्योंकि बहुत लोग क्रिकेट कोचिंग के लिए जाते हैं, पैसा खर्चते हैं ये वो, आप खुद बॉल लिए, बॉलिंग किए, उसमें से सीखे आप, तो कहाँ से सीखे? TV पे देखा, दूसरों को देखा, क्या इंस्पिरेशन था? मैं अपने खुद को बॉलिंग करते सीखा, मतलब किसी को ये नहीं यहाँ पर जाके कोचिंग करना है, बस मैं ये नेचुरल, अभी तक भी मैं नेचुरल हूँ, बस थोड़े टाइम पे बस सीखने को मिल रहा है, क्योंकि ज़रूरी है कि कब तक नेचुरल आएगा, उसके बाद कुछ भी ऐड करेंगे तो अपने लिए इफेक्ट होगा, अपनी टीम के लिए इफेक्ट होगा। तो ये अभी मैं सीखने को, और जितना हो सके, क्रिकेट ऐसी नहीं है कि जितना हो सके उतना कमी है क्रिकेट में, हर चीज़ सीखने की है हर एक दिन। तो मैं यही सोचता हूँ कि जब तक मैं नेचुरल था यहाँ तक पहुँच गया, अब यहाँ पर कैसा क्या टाइम पे क्या सिचुएशन में क्या बॉल डालना, वो ही यहाँ पर वो सीखने को मिले। इतनी ट्रेनिंग कर रहा, मैं ट्रेनिंग का उतना फ़ैन भी नहीं था कि ट्रेनिंग वेनिंग भी करना रहता है, मुझे पता भी नहीं ये गॉबलेट स्क्वाड फ्रंट स्क्वाड कुछ भी नहीं पता है, बस अपन आगे खेल लेते, ये जिम भी करते हैं फास्ट बॉलर। बस जब मैं आके अपने आप को जब यहाँ पर देखा तो लाइक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिकेट में फिटनेस रहना, क्योंकि जब आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं, जब आपके 7 और 8 स्पेल हो गए लॉन्ग स्पेल, तब आप एक ही स्पीड से बॉलिंग डालना है, इट्स नॉट अ जॉक, क्योंकि वहाँ पर इजी बाउंड्री मतलब इजी बॉल डाले वहाँ पर बाउंड्री है, क्योंकि नो एक्सक्यूज वहाँ पर। तो फिटनेस रहना बहुत ही ज़रूरी है, तो मैं ये बहुत सीखा। जस्ट पूछने के लिए पूछ रहा हूँ मैं, अगर बचपन में क्रिकेट कोचिंग मिलती तो क्या मोहम्मद सिराज कुछ और डिफरेंट और अच्छा करते? अगर बचपन में मुझे क्रिकेट मिलता तो सिराज यहाँ पर नहीं रहता था।
ये क्यों बोलते हैं आप? क्योंकि जब कि एकेडमी में जाते हैं, मतलब किसी को मतलब इतना सारा वो मिलता है, तो मैं यही सोचता कि जितना नेचुरल रहे उतना बेटर रहता। मेरे को ऐसा फील लगता है जब अपन कोचिंग जाएंगे, तेरा हाथ इधर से आ रहा, तेरा पैर इधर से आ रहा, तो वो जहाँ में से पेस जनरेट होता है वो भी चेंज कर दिया, तो फिर मैं बॉलिंग ही नहीं डाल पाऊँगा। तो मेरा ये थिंकिंग है आगे वाले का, मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगता है। लवली सिराज, एक बहुत ही फेमस स्टोरी है जहाँ पे आपको 500 रुपीज मिला, वो भी मामा के पास से क्रिकेट मैच खेलने के बाद। ये क्या स्टोरी है बोलो? जब ऐसे हमारे घर में मेरे ऊपर लेके लड़े, मॉम डैड में लड़े हो रही थी कि बेटे को पढ़ाओ नहीं तो कुछ जॉब कर लो। तो हमारे अम्मी के भाई थे, उनकी एक क्लब टीम थी, तो मम्मा उनसे भी बात की, अरे इसको क्रिकेट का बहुत शौक है यार, इन्हें कुछ कर रहा है नहीं, कुछ पढ़ रहा नहीं, बस खाली खेलते जा रहा। तो मामा ने बोले ठीक है, मेरे पास क्लब है, वहाँ पर आके खेल, देखते अगर कुछ हुआ तो फिर देखेंगे। तो मैं बोला ठीक है, आता हूँ। फर्स्ट मैच ही खेला, उसमें 9 विकेट निकाला। तो मम्मा पर ये क्या हुआ, मतलब तू इतना अच्छा खेलता है? मैं बोला हाँ, क्यों नहीं खेलता हूँ। तो फिर मम्मा बोले अब इसको पढ़ा, मामा ने बोले इसको बस पढ़ाओ मत, इसको जो करना है इसको करने दो, मैं इसको पीछे रहता हूँ, जो करना है करो। तो तभी मुझे 500 रुपये मिले थे, मैं घर में 300 रुपये दे के 200 रुपये में रहे। मतलब ये नहीं रखना है, कुछ भी 300 रुपये में कुछ भी आ सकता है घर का। तो मैं इनको मतलब ऐसा जो स्ट्रगल मैं देखा हूँ, तो लोगों को भी बस यही बोल रहा हूँ कि ये आप रख लो, मैं 200 रुपये रखता हूँ। वो 200 रुपये का किया क्या? क्या, अरे खर्चा था बहुत ज़्यादा, हैंडलूम बहुत ज़्यादा से लेके रखा था, उसमें से भी किसी के पेट्रोल के लिए पैसे नहीं रहते थे, किसी के पास से 100 रुपये दे भाई, फिर आए वक्त दे देंगे, ले भाई तेरे 100 रुपये अब ले ले, 100 रुपये रखे हुए थे। ऑलराइट, अम्मी और अब्बा के बारे में थोड़ा बात करते हैं हम लोग। ऑब्वियसली यू मेंशन कि स्ट्रगल्स बहुत थी, बट दोनों ने आपके लिए क्या क्या सैक्रिफाइसेस किए? मतलब हमेशा हमारे डैड बोलते थे कि बेटा तू देश का नाम रोशन कर, देश के लिए खेल। तो हमेशा मॉम मुझे बोलते थे कि तू पढ़ाई में ध्यान दे, डैड बोलते थे, मतलब मम्मा मुझे मारते थे तो भी डैड बोलते थे मत मारो इसे, जो कर रहा है उसको करने दो, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ इसकी। तो मॉम यही बोलते हैं कि नहीं, बड़ा बेटा देखो इंजीनियर है, छोटा बेटा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो उसको कुछ करने दो, कुछ बनने दो। फिर एंड ऑफ द डे ये मत बोलना कि पूरा बड़े बेटे को कर दिया, मेरे लिए कुछ नहीं किया, ऐसा बाद में बात आती है बोल के बोलते थे। मैं बोलता हूँ मॉम टेंशन न कर लो, मैं जो भी करूँगा ठीक करूँगा। तो डैड ऑटो चला के रात भर, मतलब हमारे रेंट भरना, फिर हम लोग को मेरे को 60 रुपीज़ डेली पॉकेट मनी देना, भैया को 100 रुपीज़, मतलब इतना स्ट्रगल करते थे। मॉम भी जॉब पे जाते थे, दूसरों के घर में खाना पकाना, झाड़ू देना, बर्तन धोना, ये सब, मतलब इतना स्ट्रगल करे मॉम डैड ने। तो बस मैं ये सोचता था कि उन लोगों को कब मैं सुकून दूँ, मेरी ये थिंकिंग रहती थी, बस जो भी करूँ मॉम डैड के लिए करूँगा मैं बस। फिर जब भी हमारे डैड की तबीयत ख़राब थी 2020 में, तो मैं जब डैड से बात करता था हमेशा में से रोते हुए बात करते थे। तो मैं इसीलिए डैड से ज़्यादा बात ही नहीं करता था, क्योंकि जब वो रोते तो मुझे अलग ही फील होता है। तो फिर उसके बाद मेरे डैड, जब IPL ख़त्म हुआ तो मुझे घर पे कोई बताया नहीं कि डैड इतना सीरियस है। तो मुझे, मैं घर पे बात कर रहा हूँ तो पापा कहाँ है, बोले तो ठीक सो रहे हैं ये। मैं बोला ठीक है डिस्टर्ब मत करो, सो रहे ना। तो वही, मतलब मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंचे बाद में मुझे ऐसा पता चला कि डैड इतना सीरियस क्रिटिकल कंडीशन में। तो मैं तभी मैं घर वालों से इतना लड़ा कि मुझे क्यों नहीं बोला आपने? तो उन्होंने बोले कि तेरे करियर पे इफेक्ट पड़ेगा, जो तू तेरे गेम पे इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या हो गया? मैं बोला मैं आता था, मैं मिलता था। तो मतलब फिर उसके बाद पापा मुझसे बात करे, बेटा ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ, तू जल्दी आ जा घर, अपन जल्दी बैठ के बात करते हैं, मतलब खाना वाना खाते हैं। तो बोला ठीक है पापा, ठीक हो जाओ जल्द से जल्द। फिर जब पापा ने मुझे बोला बेटा तू बस इंडिया का नाम रोशन कर, मैं हूँ तेरे साथ, तू ज़्यादा टेंशन मत ले, बस देश का नाम रोशन कर। तो यही, मैं जब भी डैड का मेरा इंतकाल हुआ तो बस मेरे उसी दिन मैं आ जाऊँगा सोच रहा था, बट जब डैड ने मुझे वो जवाब बोला था कि तू इंडिया का नाम रोशन कर, तो मैं इसीलिए वहाँ पर रुका, नहीं तो मैं आ जाता था तभी।
ये है मेरा ड्राइवर्स लाइसेंस, माय मेट्रो कार्ड और ये है मेरा फैन कार्ड। सिराज, जब डैड का इंतकाल हुआ, यू वर इन क्वारंटीन एफएम, राइट? यस। अकेले थे रूम में। हाउ डिड यू मैनेज योरसेल्फ अलोन इनसाइड दैट रूम? वो सिचुएशन मैं इजहार ही नहीं कर सकता किसी के सामने। मतलब वो इतना टफ सिचुएशन था मेरे साथ कि मैं किसी के रूम में जा सकता ना किसी के रूम में मेरे आ सकते, क्योंकि हमारे डोर के पास पुलिस, हर किसी के डोर के बाहर पुलिस वाले ठहरे हुए थे, वो ऑस्ट्रेलिया वाले। तो वहाँ पर कुछ परमिशन भी, मतलब बीसीसीआई ने मुझसे पूछा था कि तुमने घर जाना है ये। तो बस वो 14 डेज मैं अपने आप को कैसा निकाला, अल्लाह ही बेहतर जाने। मैं वो हैंडल कैसा करा वो खुद को नहीं पता। योर डैड मस्ट बी इनक्रेडिबली प्राउड ऑफ यू, स्पेशली द एंटायर कंट्री वॉज इन एब्सोल्यूट ऑर। जिस दिन नेशनल एंथम प्ले हुआ और आपकी आंखों में आंसू थे, व्हाट वाज गोइंग ऑन थ्रू यू? जब मैं एमसीजी में मेरा डेब्यू हुआ था, मैं परफॉर्मेंस किया था वहाँ पर, तब मैं नेशनल एंथम पढ़ रहा था, नेक्स्ट सिडनी में मैच था हमारा। तो जब मैं पढ़ते वक्त मेरे डैड का, मतलब जो बोलते थे बेटा देश का नाम, अगर वो काश वो टाइम पे रहते थे वो कितना प्राउड करते थे, लाइक जिसकी हद नहीं। क्योंकि मैं कभी भी परफॉर्मेंस करता था, पेपर में फ़ोटो आती थी वो कटिंग करके वो रखते थे, तो वो सब एकदम दिमाग में क्लिक हुआ कि ये चीज़। तो तभी तो ऑस्ट्रेलियन टूर में फैमिली आपके साथ नहीं आई, इंग्लैंड टूर में फैमिली आए, भैया और मम्मी। और हुआ क्या वहाँ पे? वो टेस्ट में वो आए, आके फिर वो क्वारंटीन हुए, तो मैनचेस्टर में आने वाले थे, तब ये कोविड का ऐसा हो गया, फिर मैं इधर आ गया, फिर मॉम से मिला नहीं, तो फिर डायरेक्ट इधर दुबई आ गया। तो ये मम्मी का पहला इंटरनेशनल ट्रिप था? पहला। क्या बोले मम्मी? मतलब ये भी एक दुनिया है क्या बेटा, ये ऐसे भी लोग रहते हैं क्या यहाँ पर? मतलब पूरे इंडिया में मतलब कैसा रहते, मतलब जैसा बाहर की कंट्री देखे, मतलब वो परेशान हो गया, ऐसे भी लोग आए क्या यहाँ पर? इतनी मतलब जो कंट्री को देख के, जो लोगों का एनवायरनमेंट देख के, मतलब वो मॉम परेशान हो गए, लाइक एकदम शॉक हो गए, ये क्या है यहाँ पर। ऑलराइट, आईपीएल का करियर शुरू हुआ होम टीम हैदराबाद के साथ, स्पेशल फीलिंग हुई होगी? नहीं बिल्कुल, मतलब जब ग्राउंड में फिरता तो हर हैदराबादी सिराज क्या कर रहा, कहाँ जा रहा, मतलब जो लैंग्वेज हैदराबाद में, मैं बोला अरे यार ये आगे चिल्लर ग्राउंड मेरा क्या है यार ये। तब मतलब एक आईपीएल में आगे बांधने लायक क्या है, मतलब ऐसा लगता है लोगों अभी भी वैसी चीज, मतलब कुछ चेंज नहीं, अभी भी वैसी चीज सिराज, और पट्टे किधर जा रहा है, इधर आ, इधर आ, हाथ बता हाथ। मैं बोला अरे यार रहने दो यार, बस कर दो। ओके, सो जब हैदराबाद टीम में सिलेक्शन हुआ सनराइजर्स के साथ, कहाँ थे आप, क्या हो रहा था जिंदगी में, कहाँ से न्यूज़ आया कि ऐसा हुआ बोल के? तब हम लोग की T20 प्रैक्टिस चल रही थी हैदराबाद में, तो भरत अरुण सर ने मुझे बोला कि आज तू रेस्ट ले ले, मत आज प्रैक्टिस को। मैं बोला सर क्यों सर? बस तू रेस्ट ले ले, क्योंकि ऑक्शन भी है, तेरा माइंडसेट भी ऐसा नहीं है कि तू आगे इधर बॉलिंग डालेगा। बोला ठीक है सर, मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा ना सर। बोला तो टेंशन बदले तो हो जाएगा, क्योंकि भरत अरुण सर ने मुझे, जब बेंगलुरु के कोच भी थे, तो उन्होंने मुझे बहुत ही लाइक एक बेटी की तरह उन्होंने मुझे वो किया, क्योंकि जब मैं उन्होंने आए मेरी लाइफ में, वो तब से मेरी लाइफ चेंज हुई। क्योंकि जब मैं U23 खेलता था, रणजी ट्रॉफी 2 मैच खेल के था, उसके नेक्स्ट जब प्रैक्टिस करते हो, भरत अरुण सर थे, नेट बॉलर बन के आए थे, तो तभी बोलते थे ये बच्चा कौन है यार, इतना अच्छा बॉलिंग डाल रहा है। तो लक्ष्मण सर को पूछे ये बच्चा कौन है, तो मेरे को बुला के पूछते क्या नाम है माँ आपका? तो सर मोहम्मद सिराज हूँ, अभी U23 खेला। ठीक है ठीक है। तो वही नेक्स्ट ईयर अरुण सर ने हैदराबाद के कोच बने, तो वही साल में हैदराबाद से लीडिंग विकेट टेकर था 45 रणजी ट्रॉफी में। तो फिर उसके बाद बोले तू आज रेस्ट कर ले, मत आ तू ऑक्शन के दिन। तो बोला ठीक है सर, मेरा लंच तक नाम ही नहीं आया। मैं बोला ये क्या हो गया यार, मेरा कट कर दिया गया ना। मैं सीधा कॉल मिला अरुण सर को, सर अभी तक नाम नहीं आया सर मेरा। आएगा बेटा आएगा, टेंशन मत ले। तो मेरे को इतनी प्रेशर आ रहा, कुछ अभी तक नाम नहीं आया। फिर उसके बाद मैं दोस्त के घर चलेगा टेंशन में, घर में तो बैठे हुए पूरे ऑक्शन देख लेते।
तो मैं दोस्त के घर पे चले गया। तो लंच के बाद एक घंटे के आधे घंटे के बाद मेरा नाम आया मोहम्मद सिराज बोल के। 10 सेकेंड तक कोई ना उठाए ना कोई कुछ। मैं बोला अल्लाह, मैं बोला बस खाली एक जने उठा के तो भी रख दो मेरे को IPL, खाली उठा के तो भी ऐसा रख दो। तो फिर RCB ने उठाया तो मैं बोला चलो सेलेक्ट हो गया सुकून है। मेरे को प्राइस का कुछ पता ही नहीं कितने प्राइस, मुझे पता सीरियसली खाली सेलेक्ट हो गया, मुझे ये पता है कितने इसमें सेलेक्ट हुआ मुझे भी नहीं पता। सेलेक्ट हुआ बस मैं उसके रूम से निकल गया, कितने में गया मुझे सीधा घर को गया मैं। टू मेरे को बोल रहे भैया बोल रहे 2.6 में सर। हाँ 2.6, मैं बोला बस सेलेक्ट हो गया मुझे पैसों का तो अभी तक भी मुझे पैसों का कुछ भी उतना नहीं है कि बस खाली मुझे क्रिकेट खेलना है, बस देश के लिए क्रिकेट खेल। मुझे पैसा कितना मिल रहा क्या है वो कुछ नहीं मालूम अभी तक, बस मुझे क्रिकेट खेलते जाना है। करेक्ट, RCB का ऑक्शन 2.6 करोड़ का था, 2.4 RCB ने लगाया क्योंकि उतना ही बजट था जब RCB के पास। करेक्ट, 2.6 सनराइजर ने लगवाया। मुझे पता ही नहीं था कि मुझे ये पता था कि मुझे RCB कंपलसरी लेगी क्योंकि अरुण सर ने मुझे बोला था कि RCB लेगी मुझे, तो बोला बस RCB जब उठाए ठीक है मैं RCB में सेलेक्ट हो गया। ये नहीं पता मैं सनराइजर में सेलेक्ट हुआ, जाके RCB में सेलेक्ट हो गया, RCB में सेलेक्ट हो गया बोल के मैं बोल रहा हूँ, तो मुझे ये पता चला मैं सनराइजर में सेलेक्ट हुआ। ओके, दैट्स अ वेरी फनी स्टोरी। फर्स्ट चीज सिलेक्शन होने के बाद क्या किया? फर्स्ट चीज मैं iPhone 7 Plus लिया, फिर उसके बाद सेकेंड हैंड कार लिया करोला। कार इम्पोर्टेंट यार, IPL प्लेयर्स के बाद कार, प्लैटिना कब तक ढकल लेते चलेंगे तो फिर करोला गाड़ी लिया सेकेंड, मेरे को तो आती नहीं चलाने फिर ले लिए तो सही। तो फिर उसके बाद हमारे मामू के बेटे को रख लिए थे, उसको गाड़ी चलाने आती तो आ जा फिर काम पे हमारे पास, तो उन्हें हमारे साथ किधर भी जा रहा बोली। और सुनो हम लोग गए किधर हम लोग गए कोई फंक्शन में जा रहे थे, वो करोला में AC भी नहीं है सोचो AC भी नहीं थी भाई, मैं बोला पूरे गर्मी में पूरा जाके आईने उतार गया पब्लिक वहाँ से सिराज हम क्या कर आईना भी नहीं चला सकते गर्मी इतनी हो रही है तो लाइक फिर इसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर मर्सिडीज लिया मैं नेक्स्ट ईयर सिराज नया घर खरीदा अम्मी और अब्बा के लिए, फैम राइट पहले IPL स्टिंट के बाद RCB के साथ? नहीं सनराइज, जब मैं 2.6 मिले जब मेरा एक ड्रीम था कि मैं नया घर लूँगा क्योंकि मॉम डैड को, अब मैं जब जैसा IPL सेलेक्ट हुआ मैं मॉम डैड को बोल दिया आप कोई जॉब पे नहीं बस घर पे बैठो, अब मैं करूँगा जो भी करूँगा आप घर पे बैठो। तो अब रहा रेंट का, तो मैं सोचा पहले जब मैं IPL उसके विद इन 5 to 10 days में टीम ज्वाइन करना था, तो मैं भैया को बोल दिया था मैं अभी जा रहा हूँ टीम ज्वाइन की, तो आज जब तक मुझे नया घर चाहिए किधर भी होगा। तो जैसा मैं IPL में चले गया नया घर ले लिए, तो जब मैं आके देखा तो मॉम डैड सुकून से घर में बैठे हुए खाना वाना खा रहे, तो वो सबसे बड़ा मेरे लाइफ का, मैं बोला कुछ हुआ बोले तो ये करा मैं लाइफ में क्योंकि घर में मॉम डैड बहुत ही स्ट्रगल, जब मॉम डैड ने इतना स्ट्रगल किया जिसकी हद नहीं, तो जब उनको घर पे बिठा के खाना खाते हुए खुश देखा ना जो बहुत सुकून दिखा वो टाइम। अपार्टमेंट घर क्या था? मतलब अपार्टमेंट नहीं है वो, मतलब इंडिपेंडेंट घर है वो, मतलब खुद का है, मतलब एक फ्लोर का घर है, नीचे मॉम डैड है ऊपर भाई और मैं रहते हैं सुकून से, हमारी स्मॉल फैमिली बस सुकून से। एक्सलेंट। ओके सिराज, कब लगा कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए रेडी हूँ? जब मैं IPL में मैन ऑफ द मैच लिया, कब क्वार्टर फाइनल जब हम लोग क्वालिफाई होना था SRH वर्सेस गुजरात 11 के साथ, तब मैन ऑफ द मैच लिया था मैं, तो तब मुझे लगा कि मैं आई विल बी रेडी फॉर इंटरनेशनल मैच। फिर इसके बाद जब मुझे डेब्यू हुआ था मेरा न्यूजीलैंड के, मैं तीन अपॉर्चुनिटी मैंने गंवाई, तो बस उसके बाद सोच लिया था अब खुद ही छे कोई नहीं है मेरे पीछे, खुद करना है तो फिर से तो इंडिया की टीम बैक कर सकता है, तो वहाँ पर मैं सोच लिया था कि अब जो भी करूँगा नया सिराज दिखेगा, यहाँ पर पुराना सिराज गया। ये है मेरा ड्राइवर्स लाइसेंस, माय मेट्रो कार्ड और ये है मेरा फैन कार्ड। इंडिया के लिए जब आप खेले
फाइनली वो फीलिंग क्या थी एंड कैसे पता चला कि इंडिया का सिलेक्शन हुआ है? टेस्ट मैच या दोनों बोल सकते हैं टी ट्वेंटी? टेस्ट मैच तो जब मैं रणजी ट्रॉफी प्रैक्टिस कर रहा था तो मुझे जरा भी वो हिंट नहीं था कि मैं इंडिया में मेरी बात चल रही कि सिराज सेलेक्ट हो सकता है, जरा भी हिंट नहीं है। मैं रणजी ट्रॉफी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ कर्नाटक क्या नाम है वो और एक एरिया है 2 घंटे दूर है बेंगलुरु से कुछ मैसूर हाँ मैसूर में मैच था तो वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे कर्नाटक के अगेंस्ट ही मैच था हमारा। तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ मुझे पता ही नहीं कि मेरा इंडिया में सिलेक्शन हो गया। तो मैं व्हाट्सअप ऐसा उठाया फ़ोन प्रैक्टिस के बाद इतने सारे मैसेज, मैं बोला क्या हो गया भाई सब ठीक है ये मेरा ही से फ़ोन या दूसरों का फ़ोन है लाइक मतलब शौक हो गया। फिर मुझे पता चला मैं इंडिया में सेलेक्ट हो गया, मेरे से ज़मीन सरक गई नीचे से। मतलब इतना करने के बाद आज मेरे को वो चीज़ पता इंडिया के लिए मैं सेलेक्ट हुआ, इतनी करोड़ की आबादी में मैं सेलेक्ट हुआ। बट वो बता ही नहीं सकता कि वो दिन वो टाइम किसके साथ था मैं, क्या हुआ क्या नहीं, किसकी दुआ है बस। तो तब मुझे सेलेक्ट किया तो मैं आया इंडियन टीम के साथ, सामने विराट भाई बैठे तो लाइक ऐसे ही इनको देख लेते बैठा हो 15 से 20। तो भैया क्या हो गया मियाँ ठीक है सब? बोला हाँ भैया ठीक है सब। मतलब जैसा जो मैं उनको रोल मॉडल समझता हूँ विराट भाई को, लाइक उनको जो उन्होंने जिम विम कर सब उनको कुछ देखता हूँ तो मैं बस इधर ही है मेरे सामने है, सपना तो नहीं है। ओके आरसीबी के प्लेयर्स आपके घर को आए थे डिनर करने के वास्ते, बोलो। हम लोग का मैच था किधर? हैदराबाद में? नहीं नहीं, पहले हम लोग का पुणे में था। पुणे में मैच था, वहाँ पर मैच था, मैच खेलने गए हम लोग भैया उसी दिन। हम लोग का मैच के दिन नीचे पार्टी भी थी, टीम पार्टी। तो भैया को बोला भैया मैं ऐसा घर पे ऐसा इनवाइट करना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ मिया क्यों नहीं आएंगे हम लोग पूरे, बोले ठीक है के फिर हम लोग ट्रैवल करें पूरा घर पे सेट कर दिए सब वो। तो मैं भैया को जब उतरते खुद भी बोला भैया आ रहे ना, बोलता हाँ हाँ मियाँ आ रहा हूँ मैं, टेंशन मत लो बोले। फिर घर में घर को चले गया, जैसा होटल आया मैं घर को चले गया वहाँ से। फिर मैं जाके कॉल करा भैया को, भैया बोला मेरा बैक स्टिफ हो गई मियाँ मैं नहीं आ सकता। बोला ये क्या हो गया? ठीक है भैया आप रेस्ट करो, अब उतना ही बोल सकते और कुछ तो बोल। ठीक है भैया आप रेस्ट करो, बोले तो बोला ठीक है। मैं घर जैसा ऐसा गाड़ी आए मैं जब ऐसा भैया उतरते कि मैं किसी को नहीं, पूरे मतलब पीपी भाई चहल भाई पूरे सो भाई थे, मैं किसी के नहीं डायरेक्ट भैया के पास जाके वो मतलब जो सरप्राइज था ना वो लाइफ का बेस्ट सरप्राइज, मतलब अभी तक जो मिला मेरे को सरप्राइज वो बेस्ट सरप्राइज था। क्योंकि जब भैया ने मना कर दिए थे कि आना, और वो हैदराबाद में भी इतना फेम हो गया, टोली चौकी में विराट कोहली आया, टोली चौकी में विराट कोहली आया, मतलब ये इश्यू हो रहा है। तो मम्मी डैडी भाई ये लोग क्या बोले? अब विराट कोहली घर के अंदर आ गए ना, घर के मतलब उन लोग भी पता था कि अरे भैया नहीं आ रहे, विराट भैया नहीं आ रहे, तो पूरा अरे नहीं आ रहे ठीक है जाने, मतलब पूरे मतलब सैडनेस हो गए थे। मतलब एक विराट भाई एक अलग ही, मतलब भैया आ रहे बोले तो पूरे, पहले बोला था भैया आ रहे बोले तो पूरे घर में मैं ये पहन लो ये पहन लो ये ऐसा चल रहा था, जैसा भैया नहीं आ रहे बोलते कि पूरों के मतलब डाउन हो गया फेस ये वो। फिर उसके बाद ठीक है आरसीबी प्लेयर्स तो आ रहे ना, मैं बोला हाँ हाँ पूरे आ रहे टेंशन। फिर जैसा वो रेडी करा सब उतने में भैया आ गए, तो वो घर का चांद क्या बोलते हैं वो डायलॉग चांद चांद लगा दियो। वाओ ओके, व्हाट इज द मोस्ट मेमोरेबल कॉन्वर्सेशन यू हैड विद विराट अंटिल नाउ? जब मैं ब्रिस्बेन से जब ऑस्ट्रेलिया फाइनल जीत के जब हम लोग की इंडिया में इंग्लैंड सीरीज थी अगेंस्ट के साथ, तो भैया ने मुझे यही बोला था कि मियाँ वेल बोल्ड, तूने जो किया है वो कोई नहीं भूल सकता है जो ऑस्ट्रेलिया में तूने किया है, लाइक तो अनबिलीवेबल वो कोई भूल ही नहीं सकता है, बस ऐसे ही करते जा, फिटनेस पे ध्यान रखते जा और मेहनत करते जा। ओके सिराज, करियर में अप्स एंड डाउन्स ये सब चीज़ें बहुत देखी है, यू सीन अ लॉट, एंड जो भी आपको जानता है मालूम है कि यू आर जस्ट वन बिग हार्ट, दिल और कुछ नहीं। बट फैंस ना कभी कभार सोशल मीडिया पे बहुत गलत चीज़ें लिख देते हैं,
फैंस, प्रेस वाले, हाउ डू यू डील विद दैट? या बुरा लगता है कभी कभार? ऑब्वियसली भाई, जब 2018 में जब आरसीबी वर्सेस केकेआर का मैच था, जब मैं दो ब्यूमर डाला था केकेआर के अगेंस्ट, तो लोग ने ये बोल दिया था कि बस तू क्रिकेट छोड़ दे, जा तेरे बाप के साथ ऑटो चला ले। तो लाइक वो मतलब इतने कमेंट्स में जिसके हाथ नहीं, क्योंकि जब इंसान इतना स्ट्रगल करके, ये लोग कोई नहीं देखता है। मतलब एक फर्स्ट टाइम जब मैं इंडिया में सेलेक्ट हुआ था, माही बहने यही बोला था, कभी लोगों का मतलब किसी के बातों पे नहीं आना, तू आज अच्छा करेगा ये पूरी दुनिया तेरे साथ रहेंगी, जब तू ख़राब करेगा यही दुनिया तुझे गाली देंगी, कभी ओपिनियन नहीं लेना बाहर वालों का। तो मैं तभी उसके बाद जो लोग ने इतना मेरे को ट्रॉल किया जिसकी हद नहीं, आज वही लोग मेरे को इतना मतलब यू आर ए बेस्ट बॉलर ये वो सब, मेरे को चाहिए नहीं भाई तुम लोगों का ओपिनियन, बस मुझे पता है मैं तब भी वही सिराज था, अभी भी वही सिराज हूँ, बस मैं ये मेरा। आज तक की बेस्ट क्रिकेट मेमोरी कौन सी है? आज तक की लॉर्ड्स की जो 8 विकेट लेके, और ब्रिस्बेन में जब हर कोई इंजर्ड हो गए, फिर जब मैं लीडिंग विकेट टेकर बना वहाँ पर, और वहाँ पर 5 विकेट लिया, वो सबसे बेस्ट फीलिंग, जब बॉल उठा के जब पवेलियन के लिए जाते, वो बेस्ट। सिराज, सबसे सुकून देने वाला विकेट, एक विकेट जो आपने लिया जो आप भूल नहीं पाएंगे कभी भी? सबसे वाला सुकून देने वाला विकेट एंडरसन को लॉर्ड्स में, जो एक विकेट चाहिए था वो बोल करके जो स्टंप लेके लॉर्ड्स में, वो सुकून, अभी भी वो स्टंप मेरे पास है तो वो भूल ही नहीं सकता मैं। क्या प्लान है वो स्टंप का, क्या करेंगे उसके साथ? रखूंगा, मेरे बेटे हुए तो बेटों को बताऊंगा मैं लॉर्ड्स में ये विकेट लेके आया था। ओके, व्हाट इज योर बिगेस्ट ड्रीम फॉर योर पर्सनल लाइफ? पर्सनल लाइफ में आप क्या करना चाहते हैं पर्सनल लाइफ में? मैं पर्सनल लाइफ में बस मैं इंडिया के लिए मतलब एक मेन बॉलर बनूं इंडिया टीम के लिए, और वर्ल्ड नंबर वन बॉलर, तीनों फॉर्मेट में, ये मेरा एम है। ये करियर के लिए हो गया वर्ल्ड नंबर वन इन ऑल थ्री फॉर्मेट्स, ये करियर का, पर्सनल खुद के लिए? खुद के लिए बस मैं सुकून से लाइफ जीऊँगा, अपना एक अच्छा ड्रीम घर बनाऊंगा मेरे लिए, मतलब मेरी फैमिली मॉम उनको सुकून से रखे, यही है मेरा ड्रीम के बस अच्छा घर लेके बस इंजॉय करो बस। जब आप रिटायर करेंगे तो लोग आपको कैसे याद रखें? मियां मैजिक के नाम से, ये लॉर्ड्स भी बोल सकते हैं, अरे लॉर्ड्स में एक मोहम्मद सिराज किया था। वेरी कूल, एंड आई एम गोना आस्क यू वन लास्ट क्वेश्चन, ओके, जहां से हम लोग शुरू किए, हाउ हैज द आईपीएल चेंज्ड योर लाइफ? आईपीएल लाइफ मतलब जब लाइफ में मेरे इतना स्ट्रगल था, जब डैड ऑटो चलाते थे, मेरे पास प्लैटिना गाड़ी थी, और डैड देते थे 60 रुपीज़, फिर पेट्रोल डला के अपना उपल स्टेडियम, बहुत दूर था यहाँ हमारे घर से, तो उपल स्टेडियम जाना मतलब 1 लीटर तो पेट्रोल डलना चाहिए, और प्लैटिना माइलेज भी मस्त देती थी वो टाइम पे। तो जब आईपीएल में सेलेक्ट हुआ तो मेरे सब जो स्ट्रगल था वो सेलेक्ट हुए बाद में मेरा सब ठीक हो गया, क्योंकि डैड ऑटो चलाते थे, उनको बंद करा फर्स्ट, मॉम को घर पे बिठा दिया, जो रेंट का था वो हिस्सा ख़त्म हो गया क्योंकि नया घर ले लिया, तो और लाइफ में मुझे कुछ नहीं चाहिए था, बस मॉम डैड खुश है, घर मिल गया, बस है मुझे, और कुछ नहीं चाहिए था, और बस यहाँ से मैं मेहनत करते जाऊँगा बोल के ये था। जब आईपीएल उसके बाद जो एक अपने को फेम मिल गया, फिर अपने को मतलब किधर कैसी बात करना है वो एक सीखने को मिला, क्योंकि इतने जनों के साथ रहते तो उनसे बात करने से हर कुछ सीखने को मिला, तो लाइक ये आईपीएल ने मुझे बहुत ही टोटली चेंज किया एज ए पर्सन और एज ए ह्यूमन। थैंक यू मैन, इट वाज ग्रेट। थैंक यू। Catch the RCB podcast powered by Kotak Mahindra Bank on Spotify, Gaana, Amazon Prime Music and Apple Podcasts.